सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग में ना मैं आपको बताऊं, आज ना मैं गाजियाबाद जा रहा था, तो गोविंदपुरम में आपने एक नाम सुना होगा गाजियाबाद में, ठीक है। तो वहाँ पे ना एक आदमी का चलान कट गया, किसके ऊपर, उस पर प्रदूषण ना होने के कारण। तो गाइस उसका ना एक आदमी का है ना चलान कट गया। अब चलान पता कितने कटा, पूरा 10,000 का। अब गाइस इस हमारा ना कट जाए, सबसे पहले हम चलते हैं प्रदूषण जांच केंद्र पे, ठीक है, अपना भी प्रदूषण बनवाते हैं, अपनी बाइक का भी, ठीक है। चलो अब गाइस एक चीज़ और बता दूं यार, अगर मेरे पास वो होता ना, वो क्या नाम है, माइक कहते हैं ना उसको, मोटो ब्लॉगिंग वाला गोप्रो, ठीक है, तो उससे सही दिखता। अब जैसा भी है ना एडजस्ट कर लेना। गाइस ये अपनी लिज़ा, सो गाइस जैसे मैं वहाँ पे प्रदूषण जांच केंद्र पे पहुँचा ना, तो भैया कहने लगे वहाँ पे कि भैया अभी तुम्हारा एक महीने का रह रहा है, ठीक है। अब वो कहने लगा, मैंने गई उनसे, फिर मैं कहने लगा भैया यदि मैं अभी करवाऊँ उसे, तो कहने लगा ना हाँ भैया हो तो जाएगा, लेकिन एक साल का बनेगा और तुम्हारे 70 रुपये लगेंगे। मैं कहने लगा चलो यार तुम एक साल का फिर दोबारा बना रहे हो, इससे बड़े तुमने एक महीना भी नहीं दिया, तो एक महीने बाद ही करवा लूँगा मैं, ठीक है। अब गाइस मैं आज प्रदूषण बनवाने के लिए गया क्यों था, अब गाइस जैसे आज मैं ना कहीं, मतलब कि आज गाजियाबाद गया था गोविंदपुरम, ठीक है, किसी काम से। अब गाइस जैसे मैं वहाँ से आ रहा था ना, तो गाइस एक मोटरसाइकिल वाला को रोक रखा था ट्रैफिक पुलिस वालों ने। अब वो क्यों रोक रखा था, उस पर नहीं था प्रदूषण बिल्कुल भी, और भाई उसका ना 10,000 का चालान काट दिया। अब गाइस ये चीज़ मेरे साथ ना हो जाए, ये वाला स्कैम मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए मैं चला गया आज। मैंने सोचा घर पर आके क्यों यार मैं भी अपना प्रदूषण देख लूँ एक बार, तो मेरे को उसमें देख के पता नहीं पड़ा कि मेरा रह रहा है या बच रहा है, ठीक है, जैसे भी है। अब मैंने सीधा अब प्रदूषण के जांच केंद्र पर गया, तो वहाँ पे बताया कि भैया तुम्हारे एक महीने का रह रहा है, अब तुमने देख लिया होगा, वहाँ पे मैंने बाइक भी लगा दी थी। तो कहने लगा ना भैया अभी नहीं, तुम एक महीने बाद ही आ जाना। मैं कह लगा चलो एक महीने बाद ही बनवा लूँगा मैं, ठीक। अब गाइस दो जने ये भी पूछ रहे थे कमेंट में कि भाई जो तुमने कल वाली बोया के माइक की वीडियो डाली थी, उसमें यार तुमने प्राइस नहीं बताया उसका। अब गाइस मैं उसका प्राइस बता दूं, हालांकि मैंने वो ख़रीदा तो था नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने दिया था मुझे, ठीक है, लेकिन मैं उसका आपको प्राइस भी बता देता हूँ। उसका प्राइस लगभग 800 रुपये के आसपास है, ठीक है, 700 कुछ रुपये का मिलता है आपको, वो 800 रुपये वाला माइक था, ठीक है। अब वो दो टाइप से आता है, एक आता है 2,000 के आसपास का, जो कि DSLR के लिए, और मतलब कि उसमें कुछ खासियत बात होगी कुछ ना कुछ, जिससे कि 2,000 का आता है, लेकिन ये वाला जो है ना ये आता है 800 रुपये का, ठीक है। तो मैंने 800 रुपये का लिया था। अब गाइस ये तो फिलहाल मैं माइक इससे फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये वाली आवाज़ कैसी लग रही है ना, प्लीज़ कमेंट करके बता देना, और यार लाइक कर देना प्लीज़ ज़रूर करके, ठीक है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता देना ये व्लॉग कैसा लगा, और यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।